इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करने हेतु हमारे बीच जो उपस्थित हुई नासिरा शर्मा साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वह आएं और मैं माइक की व्यवस्था जो है वहीं पर कर रहा हूं। मैडम आप वहीं पर जो है बैठे रहें। नासिरा शर्मा साहिबा अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए मंच पर हैं, उनके लिए हमारे सहयोगी माइक की व्यवस्था कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब, अफरोज साहब, जॉन साहब, असगर वजाहर साहब, और मैं हिंदी उर्दू में लिखती हूँ या मैंने खुद एक मुहावरा गढ़ लिया है अपने लिए। शुरू में उन चीज़ों को लेके कुछ बायस लोग जो थे वो मुझे कहते थे कि ये लफ्ज़ हटा लो, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने देखा कि उसी मुहावरे वाली ज़बान के सब दीवाने हो गए, और जब कभी मैंने उर्दू के अल्फाज कम किए तो यही कहा गया कि ऐसा मत कीजिए, हमें जो मज़ा आप अपनी भाषा के ज़रिए पहुंचा रही हैं दोनों शब्दों के साथ वही सही है। सर सैयद अहमद साहब ने कहा था कि हिंदू मुसलमान मेरी दो आँखें हैं, और मैं कहती हूँ कि मेरी दो माएँ हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। मेरी मातृभाषा तो उर्दू ही कहलाएगी और उर्दू का माहौल था घर में, लेकिन स्कूल में हुआ ये कि हमारी हिंदी की टीचर जो थी वो उर्दू की टीचर से ज़्यादा हम लोगों को अच्छी लगती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने अपने वालिद को खोया था 7 साल की उम्र में, और मेरी टीचर जो थी वो ज़रा सी मेरी गलती पे मुझे क्लास में खड़ा करके कहती थी, देखिए ज़रा उर्दू के प्रोफेसर की बेटी और ये अंदाज। तो वहाँ से मैंने अपने वालिद से जो दूरी का एहसास हुआ कि कौन शख्स है जो मेरा पीछा कर रहा है और नज़र नहीं आ रहा है, और उर्दू से हम सभी लड़कियाँ बहुत दूर होते गए क्योंकि वो उर्दू को मज़हब के साथ देखती थी और सर पे दुपट्टा डालो ये डालो। तो हमारे यहाँ के स्कूल की जो हमीदिया की लड़कियाँ थीं, आपको ताज्जुब होगा कितनी मुस्लिम लड़कियों ने संस्कृत में एमए किया। और आज मैं नज़र डालती हूँ पूरे दक्षिण भारत में, और इधर जो मैं आई मध्य, उसमें कितने कितने मुस्लिम बच्चे जो हैं वो हिंदी को अपनाए हुए हैं, हिंदी के टीचर हैं, उनकी ज़बान उर्दू नहीं है, उनकी ज़बान अलग है, उर्दू से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो उर्दू भी खूब अच्छी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं। हर ज़बान का अपना एक वक्त होता है, एक वक्त उर्दू का था, उर्दू अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, अब उस उरूज के बाद दोबारा उस वो कहाँ जाती है मैं नहीं जानती हूँ। एक दौर आया था उर्दू का कि जब उसमें कहानियाँ और रिसाले गायब होने लगे थे, लेकिन 1992 में उर्दू में एक अजीब तरह का बदलाव आया और अदब आने लगा। और अब आलम यह है कि कई यंग लड़के हैं जिनसे मैं मिली और उन्होंने हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल करने शुरू किए उर्दू में, एक बगावत की है। वो ये कहते हैं क्यों ना करें हम, अगर हिंदी उर्दू के अल्फाज ले रही है तो हम क्यों ना लें, और बड़े मुश्किल लफ्ज़ ले रहे हैं, बाकायदा तकनीकी लफ्ज़ ले रहे हैं।
ये चीज किस हद तक काबिले कबूल होगी उर्दू वालों को मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि उर्दू की एक तहजीब है और तहजीब के साथ साथ उर्दू जबान एक अदब के साथ चलती है। चाहे दुनिया के किसी हिस्से में लिखी जा रही हो लेकिन उसका मापदंड जो होता है वो एक ही होता है जो हिंदी में नहीं है। हिंदी में सर्राटे से जो दिल में आए लिख लीजिए, जो बोल लीजिए। और आजकल तो ये है कि इतनी तरह की हिंदियाँ वजूद में आ रही हैं कि जो शीरीनी थी उर्दू हिंदी मिक्स जबान की, जिसको कमलेश्वर जी भी लिखते थे, प्रेमचंद जी ने भी उसको लिखा और कृष्ण बलदेव वैद्य ने भी लिखा, इस्सा साहब ने लिखा, ये सारे लोग जो थे उन लोगों ने ये जबान दी। एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कहना कि जब हम लोगों ने उर्दू पढ़ना शुरू किया था तो उर्दू को सीखने वाले नॉन मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, क्योंकि उस वक्त उर्दू ज़बान ही हुकूमत कर रही थी। तो उसमें जो किरदार आते थे हिंदू किरदार, उससे बड़ी वाबस्तगी हो जाती थी, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई दुखी। तो हमने हिंदुओं को से जो कुर्बत का एहसास लिया है वो उर्दू अदब से लिया है। और हम जितना हिंदुओं के बारे में जानते हैं, हिंदू हमारे बारे में नहीं जानते, क्योंकि ना तो हमारी कहानियाँ आती हैं टेलीविजन पे, ना हम अपने कुरान की कहानियों को फिल्मी शक्ल में ला सकते हैं। तो इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि इतना ज़बरदस्त झुकाव है उर्दू ज़बान की तरफ कि मैंने खुशवंत सिंह साहब के यहाँ देखा, ढेरों लड़कियाँ जो थी जमा होती थी उर्दू सीखने के लिए, यंग लड़कियाँ। मेरे यहाँ कितनी दौलतमंद औरतें आती थीं ज़माने में, वो कहती थी मुझे तलफ़ुज़ सिखा दीजिए, मैं अच्छी तरह बोल सकूं। तो ये जो एक झुकाव है सियासत के प्रोपेगेंडे के अलावा, उसको दिलों से खींचा नहीं जा सकता है। और आज जो ये शिकायत लोगों को थी कि प्रेमचंद जी के बाद मुस्लिम किरदार हिंदी में आ नहीं रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि चाहे वो अब्दुल बिस्मिल्लाह हों, या चाहे साहब हों, चाहे नफीसा फरीदी हों, इनके ज़रिए बहुत सारे किरदार जो हैं वो हिंदी भाषा में आए और हिंदी वालों ने मुसलमानों को करीब से जानना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी साझी विरासत का कि हम बराबर से एक दूसरे के घर को सिर्फ ईद और बकरीद में ना जाके हम उनके दुख दर्द को समझें। और ये बात मैं कई मरता कह चुकी हूँ कि हम लोग अटक जाते हैं सिर्फ दिखावे पे, लेकिन गहरी जो हमारी मोहब्बतें हैं वो कम होती जा रही हैं आपस में। तो और एक जगह मैंने ये भी कहा था कि लोगों को, जैसे मेरी शालमली थी, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, तो उसमें एक साहब ने कहा कि नासरा बच नहीं पाई, हिंदी में नॉवेल लिखने के बावजूद भी दो तीन शब्द जो थे उसमें आखिर उर्दू में आही ले ही आई। मैं बड़े ताज्जुब में पड़ गई कि अब शब्दों से भी परहेज हो। फारूकी साहब ने जिंदा मुहावरे पढ़ के कहा कि इसमें तू नहीं जानती, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के हैं और तूने उर्दू समझ के इसको शामिल कर लिया है। मैं अब अपनी कई बात के ऊपर आती हूँ कि अगर इस तरह हम लोग परहेज करेंगे उन मुर्दा शब्दों से जो किसी का नहीं बिगाड़ते हैं, जो चुपचाप किताब में रहते हैं, तो उसके बोलने वालों के साथ हमारा बर्ताव क्या होगा।
ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा हम सबको कि हम किस तरह से भाषा में धड़कन लाएं और मिली जुली भाषा को ही हम वो करें। गांधी जी ने हिंदुस्तानी एकेडमी शुरू की थी और हिंदुस्तानी जबान करके एक मैगजीन निकलती है बॉम्बे में, उसमें आधा उर्दू था और आधा हिंदी, यानी साझी विरासत थी। जो आर्टिकल इधर अच्छे छपते थे वो हिंदी में आ जाते थे, हिंदी वाले उर्दू में आ जाते थे। कुछ लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिया और साहब वो हिंदी की बन गई पत्रिका। मैंने सुशीला जी से कहा कि आपने कहानी मांगी है, मैं अब कोई भी कहानी अपनी नहीं दूंगी क्योंकि आपने गांधी जी को नकारा है, और मेरी दुआ है और इसरार है कि इस मैगजीन का नाम हिंदुस्तानी जबान हटा दीजिए और लिख दीजिए हिंदी है। तो ये जो अपना अपना हिसाब है कि ये हमारा है ये तुम्हारा है, दरअसल हिंदुस्तान में हमारा तुम्हारा चल ही नहीं सकता है, कुछ भी हमारा तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये हम सब का है। और मैं आपको बताऊं कि फारसी के ऊपर भी जितना काम बनारस के पंडितों ने किया है, और संस्कृत और फारसी, उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि किस तरह ये मिली जुली जबान है और कितनी बदली है। वहाँ अश इसको कहते हैं, फला वो है। तो अगर आप भाषा के, जैसे नसीर साहब कह रहे थे कि अगर आप भाषा जानते हैं तो आपको एक अलग तरीके की तकवीयत मिलती है दिमाग में, और जब आप सियासत देखते हैं तो आपको एक अलग तरह की चीज़ मिलती है। ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी था मेरा कहना, क्योंकि एज अ राइटर मैं यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे तजर्बे की है वो कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। नसीर साहब की बात चली है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैंने तकरीबन 150 उर्दू की कहानियाँ हिंदी में की, उसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने अनुवाद की, क्योंकि जितनी भी पुरानी उर्दू की कहानियाँ थी उसमें हिंदी के खूब शब्द थे। अब वो अवधि उस वक्त हमारे ऊपर डोमिनेट कर रही थी या क्या था, या हम लोग ऐसे बोलते ही थे आज से 50 साल पहले, लेकिन कुछ शब्द उसमें ऐसे आए थे जिनका मैं कोई मतलब ना तो डिक्शनरी में मिला ना कुछ। तो अगर असल परवेज साहब ये काम कर सकें कि करतुल एम हैदर और दूसरी मोहतरमा और अजीज हमारे बड़े जो सरदगान हैं उनके यहाँ जो शब्द आए हैं उनकी एक डिक्शनरी होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में मैंने एक डिक्शनरी खरीदी थी आवाम की बोली की, तो मुझे लगा था ये बेवकूफ़ी की खरीदारी हुई है, लेकिन जब मैंने वहाँ की कहानियाँ ट्रांसलेशन की तो वो डिक्शनरी मुझे यकीन कीजिए बहुत काम आई। और मेरे पास एक मेरी घर की लाइब्रेरी, वालिद की लाइब्रेरी से बची हुई इतनी छोटी सी वो है, फरहंग है, शब्दकोश है, उसमें जानते हैं तुर्की के लफ्ज़ हैं, हिंदी के लफ्ज़ हैं, संस्कृत, यानी कि वो डिक्शनरी ये बताती है कि उस ज़माने में कितना मिला जुला शब्दों का इस्तेमाल होता था, और आज हम कैसे अपने को एक दूसरे से समेट रहे हैं। और ये जो साझी संस्कृति है ये तो कोई किसी से ना तो छीन सकता है और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू के एक ऑफिस में मैं गई थी, उस ज़माने में मैं लिख रही थी, बरसात का महीना था, आज से 25 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि नीचे ऑफिस में लोग बैठे हुए, जब मैं गई तो पूरे ऑफिस में पानी भरा था और लोग तख्त पर बैठे हुए, तो दिल हिल गया,
फिर मैंने कहा आप एडिटर साहब से यहीं से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा तार गाना जो आप कह रहे हैं तो ऊपर छत से छेद करके नीचे टेलीफोन लटक रहा था। तो उस वक्त उर्दू की हालत इस तरह की हो गई थी। बहरहाल उसके बाद मैंने एक कहानी लिखी थी कार्तिक, उसमें एक जुमला लिखा था कि अगर उर्दू से हिंदी के लफ्ज और हिंदी से उर्दू के लफ्ज निकाल दिए जाएं तो दोनों बहनें लहू लुहान हो जाएंगी। और जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं और उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी राइटिंग में एक मुलायमियत है और उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अजहर वजाह साहब यहाँ मौजूद हैं, शाहिद होने के तौर पे वो ज़रूर इस बात को मानेंगे। और मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मैं दोबारा इस यूनिवर्सिटी में आई, यहाँ का हुस्न, यहाँ का सारी चीज़ें देख के अखलाक हर बार मुतासिर होती हूँ। और कलाम साहब के लिए मेरे दिल में शिद्दत से और इज्जत होती है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया जो उनके नाम से वाबस्ता है। उनका कुरान शरीफ का तर्जुमा और चाय के बारे में उनकी कही बात अक्सर मैं दोहरा के लफ्ज़ोस लफ्ज़ोस लबरेज खूने कबूतर। उनकी रूह को मैं अपनी दुआएं अवकाश में उनकी तरह लिख सकती इतना खूबसूरत। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझ सकते हैं कि हमारा जो वक्त था उस वक्त से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और माननीय कुलपति महोदय वक्त के बहुत पाबंद हैं। तो मैं संगोष्ठी का बीज वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर असगर वजाह साहब को आमंत्रित करता हूं और वो आए। पूरा वक्त देंगे आप, ये बात इस वक्त गैर मुनासिब, आपको पूरा वक्त जो है प्रोफेसर असगर वजाह साहब को मिलेगा जो है, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय कुलपति महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है। तो प्रोफेसर असगर वजाह साहब आ रहे हैं अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए। नासिर शर्मा जी, बादशाह साहब और दोस्तों, जब मुझे इस सेमिनार के बारे में, इसके विषय के बारे में सूचना मिली तो मैंने ये तय किया कि मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत पसंदीदा मौजू है। इसके ऊपर मैंने काम किया है और कुछ सोचा है और इसके बहुत से पहलू हैं, बहुत से उलझाव हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत से सवाल हैं। उन सब के बारे में एक साथ बात करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते हैं जिसके बारे में फिर अगले सेशंस में भी बात हो सकती है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया था कि उर्दू और हिंदी को लेकर दो रवैये हैं। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि ये दो भाषाएं हैं और जो एक प्रकार से लिंग्विस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये एक भाषा है, क्योंकि ये दो भाषाएं नहीं हो सकती हैं, इनका व्याकरण जो है वो एक है, इसलिए ये एक भाषा है। हमें इतिहास ये बताता है कि वास्तव में एक भाषा के रूप में इनका विकास हुआ। लिपि ज़रूर फारसी लिपि थी,
लेकिन लिपि भाषा नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए फारसी लिपि में उर्दू या हिंदी जो भी आपके हैं उसका विकास हो रहा था, हुआ, और आज उर्दू के जो शायर कहे जाते हैं वो अपनी ज़ुबान को हिंदवी या हिंदी कहा करते थे, यानी उर्दू प्रचलन जो है वो नया प्रचलन है। इसलिए दोनों भाषाओं के साहित्य में एकता और साझा क्यों ना हो, ये असंभव है, ये नामुमकिन है कि एक जड़ से पैदा हुए दरख्त की दो डालों में मुख्तलिफ फल आते हों, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें लगातार दिखाई देता है। तो साहित्य में दोनों के जो एकता है और जो एक रूपता है वो हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हद ये है कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में जो उर्दू का साहित्य लिखा गया उसमें से बहुत से ऐसे कवि और लेखक हैं जिन्होंने हिंदी सोर्सेज या भारतीय संस्कृति के जो सोर्सेज हैं उनसे बहुत फ़ायदा उठाया। मान लीजिए इंतज़ार हुसैन को आप पढ़ें, या अली ने दोहे लिखे, या इब्न इंशा ने जो शायरी की है, इब्न इंशा का शेर है कि क्यों लकीर के फ़कीर बने रहिए, क्यों ना रंग बदल के गज़ल कहिए, ये जो उर्दू ज़बान हमारी है 100 रंग हैं इसके दामन में। तो वो 100 रंग जो हैं वो वही हैं जिनसे उर्दू निखरती है। इब्न इंशा का जो उनका जो पूरा अचीवमेंट है वो पूरा अचीवमेंट ये है कि वो हिंदी के साथ है। अगर आप हिंदी को या इंडियन एथॉस को उससे अलग कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हिंदी में आज क्या हालत है मैं आपको बताऊं। हमारे हिंदी के जो दोस्त हैं लिखने वाले वो सब ये मानते हैं कि जब तक आपको अच्छी उर्दू नहीं आएगी आप अच्छी हिंदी लिख नहीं सकते। अच्छी हिंदी लिखने के लिए अच्छी उर्दू का जानना ज़रूरी है। हिंदी के 3 शायरों के मजमूए आए अभी और तीनों ने अपने मजमूओं के जो नाम हैं, अपने कविता संग्रह के नाम जो हैं, वो मीर की गज़लों के टुकड़ों से लिए। तो हिंदी में आज उर्दू के लिए रवैया बिल्कुल दूसरा है, बदल चुका है। हम लोगों ने जामिया में अशोक वाजपेयी जी को बुलाया, कहा कि आप आके हमारे यहाँ भाषण दीजिए, अपने पसंद का विषय आप चुनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं गालिब पे बोलूँगा। प्रोफेसर नामवर सिंह को बुलाया और उनसे कहा कि अपने पसंद का विषय आप चुनिए, तो उन्होंने भी कहा कि मैं गालिब पे बोलूँगा। गालिब और मीरी नहीं बल्कि उर्दू के शायर जितना ज़्यादा नागरी लिपि में बिकते हैं उतने शायद उर्दू लिपि में नहीं बिकते, फारसी लिपि में नहीं बिकते। तो इस तरह से उर्दू के लिए हिंदी का जो रुझान है वो कितना क्या है ये सब सामने आता है। आप जानते हैं कि राजपाल ने और राजकमल वालों ने लंबी लंबी सीरीज़ निकाली हैं उर्दू शायरी के ऊपर। अब उर्दू के नावल और उर्दू की नस्ल भी हिंदी नागरी लिपि में आई है और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमको भाषा सीखनी है तो भाषा सीखने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसको हम लें और हम भाषा इससे सीखें। तो ये उर्दू और हिंदी के बीच की एकता और निकटता का एक
पहलू आप देखेंगे मीडिया में आपको मिलता है, मीडिया की भाषा। आज मीडिया की भाषा ना तो हिंदी है और ना उर्दू है, वो दोनों का एक ऐसा मिला जुला रूप है जो नामुकम्मल है अगर आप उसमें से किसी एक को निकाल दें। मीडिया के लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें जब पर्यायवाची शब्दों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उर्दू के पास ही जाना पड़ता है, हमें हिंदी और उर्दू को मिलाते हैं तब हमारी भाषा बनती है, नहीं तो हमारी भाषा नहीं बन पाती। तो मीडिया ने इन दोनों भाषाओं को नज़दीक लाने का जो काम किया है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ व्यापार की भाषा, आप लोग टेक्सास में एक हिंदी उर्दू फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है, उसके कुछ छात्रों से मेरी यहाँ मुलाकात हुई भारत में, तो उन्होंने कहा कि हम सब व्यापार के क्षेत्र के लोग हैं, कोई एमबीए है, कुछ बिजनेस में कोई, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी उर्दू इसलिए सीखते हैं कि भारत में आके हमको कम्युनिकेट करना, हमको बातचीत करने में आसानी होगी, हम लोगों तक जा सकते हैं, तो वहाँ हम न केवल हिंदी न केवल उर्दू बल्कि हिंदी उर्दू के मिले जुले रूप से यहाँ के व्यापार, यहाँ का जो बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ के जो लोग हैं उन तक हम पहुँच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये दोनों ज़बानें एक दूसरे के नज़दीक हैं और इनके बगैर काम नहीं चलता। हिंदी में आपने देखा आजकल के हिंदी गज़ल का बहुत ज़्यादा रिवाज, हिंदी आज हिंदी में कम से कम 100 शायर हैं जो सिर्फ गज़लें लिखते हैं और हिंदी में गज़ल की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई है कि हिंदी के जो दूसरे शायर हैं वो परेशान हो गए हैं, उनको उनका ये कहना है कि अगर गज़ल की लोकप्रियता उसकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो हम जो कविताएं लिखते हैं, हम जो प्रोज पोइट्री लिखते हैं तो हमारा क्या होगा। लेकिन गज़ल को हिंदी में कोई रोक नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं। एक शायर हैं हिंदी के जो गज़लें लिखते हैं, दीक्षित धनकौरी उनका नाम है, तो वो एक गज़लों का एक प्रोग्राम करते हैं जो पूरी रात चलता है, पूरी रात जो है शायर अपनी गज़लें पढ़ते हैं और एक दूसरे मतलब वो लोग उनको सुनते हैं। तो इस तरह से उर्दू का या उर्दू में पहले लोकप्रिय जो एक कविता का फार्म है वो हिंदी में आ रहा है। एक और बात जो हिंदी और उर्दू के संबंधों और उनको मजबूत करने के काम आती है, उर्दू मतलब उर्दू हिंदी कह सकते हैं या उर्दू ही कहिए उसको एक आसानी के लिए, उर्दू शायरी का जो मॉडर्न शायरी का जो पूरा का पूरा रुझान रहा है वो बहुत ही एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रुझान रहा है, जिसने इस रीजन की सोच को बहुत असरअंदाज किया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर किया। हिंदी कविता के अगर हम इतिहास पे जाते हैं तो 19वीं सदी में एक साहब हुआ करते थे अयोध्या प्रसाद खत्री, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी कविता आंदोलन चलाया था और खड़ी बोली कविता आंदोलन के तहत उन्होंने मीर और नज़ीर को हिंदी का शायर माना था कि मीर और नज़ीर हिंदी के शायर, और हिंदी के शायरों से कहा था कि ये स्टाइल जो है इसको कहा करते थे मुंशी स्टाइल, कहते थे ये मुंशी स्टाइल जो है ये हिंदी कविता के लिए सर्वोत्तम है और इसके आधार पर हमको हिंदी कविता लिखनी चाहिए। तो एक ट्रेडिशन में भी हिंदी उर्दू के बीच में जो आदान प्रदान हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना क्या है। देखिए बातचीत करना बहुत अच्छा है लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिंदी उर्दू के बीच जितना ट्रांसलेशन का काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया।
कुछ पब्लिशर्स हैं जिन्होंने सिर्फ उन किताबों को जिन किताबों के बेचने से उनको फ़ायदा हो सकता है उसके ट्रांसलेशंस करवाए और उनको छापा, लेकिन किसी प्रोग्राम के तहत किसी योजना के तहत हिंदी और उर्दू के बीच में ट्रांसलेशंस के कोई बड़े प्रोग्राम मुझे चलते हुए नज़र नहीं आते, जो बहुत ज़रूरी है। अगर हम दोनों भाषाओं की बात करते हैं और दोनों को नज़दीक लाने की बात करते हैं, एक ज़माने में कमलेश्वर ये कहते थे कि उर्दू का जो बहुत अच्छा साहित्य है ये कम से कम 20-25 वॉल्यूम में नागरी लिपि में आ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि नागरी लिपि जो पढ़ते हैं हिंदी के लोग उनको भी फ़ायदा होगा, और उर्दू के पास जो इतनी बड़ी संपदा है तो वो केवल लिपि के कारण महदूद नहीं रह जाएगी कि भाई लिपि नहीं जानते आप तो आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो अगली बात ये है कि उर्दू की लिपि को प्रमोट करना, कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भाषा एक है और किसी के लिए लिपि सीखना वो अगर चाहे तो एक हफ्ते 10 दिन की बात है। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ जिसमें लिपि के सीखने को एक कंपोनेंट बनाया जाए कि भाई आप यहाँ आइए, ये होगा ये होगा ये होगा, और इसके साथ साथ एक लिपि भी आपको सिखाई जाएगी और उसको समझिए। तो क्या हम तो ये छापेंगे, एक रुझान ये है कि जो समझ में आने वाले आसान लफ्ज़ दोनों ज़बानों के हैं उनका उनके लिए वो रवैया हो, एक सेहतमंद रवैया हो कि हम भाई ये अल्फाज हम ले रहे हैं, किसी तरह की जड़ता ना हो। अब जड़ता का या कट्टरता का एक उदाहरण हुआ है आपको, केदारनाथ सिंह हमारे JNU में प्रोफेसर और हिंदी के बहुत बड़े शायर, उन्होंने बताया कि वो बनारस में कहीं कविता पढ़ने के लिए गए तो उनकी कविता सुन करके लोग कह रहे हैं शंभू 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 शंभू। तो इन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। बाद में इन्होंने पूछा कि भाई आप लोग शंभू शंभू क्या कह रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वाह वाह तो उर्दू का शब्द है ना, तो हम उर्दू नहीं बोलते, हम उर्दू का शब्द नहीं। तो अब उन्होंने वाह वाह का भी हिंदी अनुवाद कर दिया। तो इस तरह की जो कट्टरता है ये दोनों में से किसी भाषा के लिए चलती नहीं है, ये नहीं चले। शुद्धता जो है वो भाषा के लिए सबसे बड़ा, भाषा का जो दुश्मन है वो शुद्धता है। अगर आप ये करेंगे कि नहीं हम तो शंभू शंभू ही बोलेंगे तो इससे भाषा जो है वो एक प्रवाह उसका नदी के समान जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में शब्दों का आदान प्रदान होना चाहिए, और आदान प्रदान के लिए आदान प्रदान की बात करते हुए एक लतीफ़े पर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। उर्दू और हिंदी के लोगों में बात हो रही थी कि भाई हम एक दूसरे के अल्फाज लें, एक लफ्ज़ उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले लेंगे। उर्दू वालों ने कहा कि भाई आपका जो ये लफ्ज़ है हिंदी में आलोचना, इसको हम नहीं लेंगे उर्दू में। तो कभी क्यों, इससे क्या आपको मुखालफत, कैसा है उर्दू में आलोचना हो जाएगा उर्दू में जब लिखेंगे तो ये आलोचना बन जाएगा, तो इसलिए हम जो है वो ये ले नहीं सकते लफ्ज़। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला करके कि माहौल बहुत ही साजगार है, बहुत अच्छा है, हिंदी के लोग हिंदी के राइटर्स हिंदी के रीडर्स ये सब उर्दू पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ज़रूरी ये है कि उन तक हम कैसे सोचना ये है कि उन तक कैसे पहुँचें, उनकी क्या दिक्कतें हैं उसको हम कैसे हल करें, उनकी जो लिपि की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे एड्रेस करें, किस तरह से हम हिंदी का हिंदी में उर्दू का या उर्दू में हिंदी का अच्छा साहित्य लाएं ताकि दोनों आसपास
हूँ और हिंदी और उर्दू के जो लेखक हैं, हिंदी उर्दू के लेखकों का आपस में मिलना और उनकी उनकी वर्कशॉप्स और उनको किसी तरह की रेजिडेंसी प्रोवाइड करना जो कि यूनिवर्सिटियाँ जो है वो करती हैं आमतौर से, तो इससे दोनों भाषाओं के नज़दीक आने का एक और ज़्यादा माहौल जो है बनेगा। और इसके बाद दूसरी जो आते हैं और वो तो आगे होंगी आगे के जो सेशंस हैं, लेकिन कुल मिला जुला के जो साझी विरासत की बात है, साझी विरासत के जो मुख्य बिंदु थे इनको मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि ये कोई एक बिंदु नहीं है, कई बहुत सी बातें हैं जो साहित्य से लेकर के और व्यापार जगत तक फैली हुई हैं। और अगर कोई हिंदी उर्दू फ्लैगशिप प्रोग्राम बाहर चल सकता है तो वो अपने देश में क्यों नहीं चल सकता, अपने मुल्क में क्यों नहीं चल सकता, ये भी देखने की सोचने की बात है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और यूनिवर्सिटी का ख़ास तौर से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो आप लोगों ने सेमिनार किया है, आशा है कि इस सेमिनार के बाद कोई छोटा सा ही सही एक्शन प्लान बनेंगे और एक्शन प्लान में कुछ ना कुछ आगे होगा। आमतौर से सेमिनार के बाद जो है वो चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सिलसिले में और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय कुलपति महोदय के द्वारा होगा।